नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में जो है बात करने वाले हैं आईपीएल 2020 का जो ऑक्शन होने वाला है उसके अंदर कौन से टॉप 6 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगने वाली है। तो भाई कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जो है अभी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। क्रिकेट और आईपीएल के तगड़े वाले फैन हो, सब्सक्राइब भी पक्का तौर पर करके रख लीजिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो है इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है नोस्ट्रा प्रो एप्लीकेशन ने, जो कि बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आपके पास जो है जरा सी भी क्रिकेट की नॉलेज है तो आप जो है उस अपने क्रिकेट के नॉलेज का इस्तेमाल करके नोस्ट्रा प्रो से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आपको जो है करना कुछ नहीं है, बस सिंपल से आसान से क्रिकेट के सवालों के जवाब देने हैं, मतलब कि कौन सी टीम जीतेगी मैच और कौन सी टीम बनाएगी कितना रन। बस दोस्तों आपको जो इतना ही करना है और आपका जो है उत्तर सही होता है तो आपको जो है बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। इसका जो है लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से जो है आप सभी नोस्ट्रा प्रो को डाउनलोड कर। दोस्तों सबसे पहले खिलाड़ी, उसका नाम तो हम सभी को पता है, वो है इयान मॉर्गन। वर्ल्ड कप 2019 कप्तान जो टीम जीती थी वो थे इयान मॉर्गन। दोस्तों ऐसे में जो है इयान मॉर्गन ने अपनी जो बल्लेबाजी की काबिलियत है हम सभी को दिखाई है। T20 के फॉर्मेट में भी लगभग 17 छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप 2019 में एक मुकाबले में। दोस्तों यहाँ पे जो है इयान मॉर्गन एक विस्फोटक बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। और दोस्तों आईपीएल में जो है ऐसी बहुत सी टीम है जिनको इयान मॉर्गन की जरूरत है और उनको जो है कप्तानी का भार भी मिल सकता है। तो दोस्तों इंग्लैंड का जो है इयान मॉर्गन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होने वाले है ये साल के आईपीएल के ऑक्शन में। और दोस्तों बहुत से जो टीम है वो इयान मॉर्गन को एज अ कप्तान के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं नंबर 2 खिलाड़ी की, तो उसका नाम है एरॉन फिंच। दोस्तों एरॉन फिंच ने जो है अपने तकनीक में बहुत ही ज्यादा सुधार लाया है। वर्ल्ड कप 2019 में हम सभी ने देखा जो एरॉन फिंच थे उन्होंने ओपनिंग करते हुए डेविड वॉर्नर के साथ में काफी लंबे लंबे रन मारे हैं, जो कि दोस्तों एरॉन फिंच का जो फॉर्म है काफी अच्छा चल रहा है। और दोस्तों प्लस एरॉन फिंच जो है एक अच्छी टीम के कप्तान भी बन सकते हैं। तो दोस्तों इयान मॉर्गन और एरॉन फिंच दो ऐसे प्लेयर हैं जो कि बल्लेबाज भी कर सकते हैं और किसी टीम को कप्तानी भी संभाल के दे सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, तो उसका नाम आता है दोस्तों, वो है जेम्स नीसम। ये दोस्तों है न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है। मैंने जो आपको बोला था कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जेम्स नीसम, अगर आपने वर्ल्ड कप देखा था तब दोस्तों आप सभी को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दिया होगा कि जो जेम्स नीसम थे वो दोस्तों अपनी बल्लेबाजी और अपनी गेंदबाजी से क्या क्या कर सकते हैं। बल्लेबाजी में आके जो है जेम्स नीसम अपनी टीम को फिनिशिंग करके दे सकते हैं, लंबे तगड़े हिट भी लगा सकते हैं। और दोस्तों गेंदबाजी में जो है अच्छे खासे 3-4 ओवर निकाल के दे सकते हैं आईपीएल के फॉर्मेट में। हमने देखा जो सुपर ओवर हुआ था वर्ल्ड कप के फाइनल में, वहां पर जो है जेम्स नीसम ने कितनी अच्छी बल्लेबाजी की थी। जोफ्रा आर्चर जैसे गेंदबाजों को जो है जेम्स नीसम ने छक्के लगाए थे, तो आपको जो है इससे अंदाजा लग गया होगा जो जेम्स नीसम है वो कितने तगड़े बल्लेबाज दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 खिलाड़ी की, तो उसका नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल। जी दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल ने जो है 2019 के आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम दर्ज नहीं कराया था क्योंकि उनको जो है वर्ल्ड कप के लिए अभ्यास करना था। दोस्तों ऐसे में जो है मैक्सवेल का फॉर्म अगर हम सभी देखे तो काफी अच्छा चल रहा था। एक दो मैच में जो है वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने जो है जिस तरीके से इंडिया के सामने बल्लेबाजी की थी इसको देखते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ग्लेन मैक्सवेल है वो ये साल के आईपीएल ऑक्शन में अच्छे खासे मोटे पैसों में बिकने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 खिलाड़ी की, तो उसका नाम आता है जेसन रॉय। दोस्तों जेसन रॉय ने भी अपना नाम जो है आईपीएल 2019 के ऑक्शन में नहीं दिया था, लेकिन ये साल जो है जेसन रॉय का फॉर्म हम सभी ने वर्ल्ड कप में देखा है, कितनी शानदार लय से बल्लेबाजी कर रहे थे जेसन रॉय। और ये साल के ऑक्शन में जो है जेसन रॉय अपना नाम ऑक्शन में पक्का तौर पर देने वाले है और उनको जो है बहुत सी टीम एक ओपनर के तौर पर देख रही है आईपीएल 2020 के ऑक्शन में। अब दोस्तों बात करते हैं एट दी एंड लास्ट और 6वें खिलाड़ी की, तो उसका नाम है पैट कमिंस। दोस्तों पैट कमिंस जो है अपने
आपको हाल ही में काफी ज्यादा साबित किया है, इम्प्रेस किया है, इम्प्रूव किया है। पैट कमिंस की जो गेंदबाजी थी हम सभी ने देखा, कितनी शानदार तरीके से गेंदबाजी करा रहे थे। और दोस्तों पैट कमिंस हो सकते हैं वो एक विदेशी तेज गेंदबाज जिनको जो है सभी टीम्स ध्यान में रखने वाली है आईपीएल 2020 के ऑक्शन में। तो दोस्तों ये थे मेरे हिसाब से टॉप 6 खिलाड़ी जिनके ऊपर जो है ये साल के ऑक्शन में अच्छे खासे पैसे रगड़ सकते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और एक खिलाड़ी न्यूजीलैंड का। आगे जो है आईपीएल की वीडियोस आती रहेगी, आप बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।